कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करे अपने नीट जेईई का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसी। आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डोनन्स मेम्ब्रेन कहा जाता है। डोनन नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था, इस वजह से इसका नाम डोनन मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जो आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है, यह मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होती है। कैसी होती है? हाईली परमिएबल, लेकिन पर्टिकुलर आयंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड और HNO3, क्लोराइड और HNO3 के लिए ये डोनन मेम्ब्रेन है ना, ये परमिएबल होती है, लेकिन इम्परमिएबल होती है सोडियम और पोटेशियम आयनों के लिए। सोडियम और पोटेशियम आयनों के लिए ये इम्परमिएबल होती है। ये फिनोमिना क्या कहलाता है? डोनन्स फिनोमिना कहलाता है। मीनिंग, इसका मीनिंग क्या निकल रहा है? इसका मीनिंग ये निकल रहा है कि आरबीसी की जो मेम्ब्रेन है वो टोटली परमिएबल होती है, किसके लिए? क्लोराइड और HNO3 आयन के लिए, लेकिन सोडियम और पोटेशियम आयनों के लिए इम्परमिएबल होती है। ये डोनन फिनोमिना कहलाता है, क्योंकि आरबीसी की मेम्ब्रेन को क्या कहा जाता है? डोनन्स मेम्ब्रेन। और डोनन्स मेम्ब्रेन से अंदर कौन जा रहा है? आरा जा रहा है। कौन है इजिली? क्लोराइड और HNO3। लेकिन कौन नहीं आ सकता? H+ और K+। ये फिनोमिना डोनन फिनोमिना कहलाता है। आरबीसी में एक एंजाइम होता है, उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज, ये एंजाइम आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ये एंजाइम क्या काम करता है कि कार्बोनिक एसिड, किसको? कार्बोनिक एसिड, किसको? कार्बोनिक एसिड, किसको? कार्बोनिक एसिड। एंजाइम का नाम क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और किसको तोड़ रहा है? ये कार्बोनिक एसिड को। कार्बोनिक एसिड के फॉर्मेशन और डिसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो है कार्बोनिक एसिड के बनने और इसके टूटने, इसके बनने और इसके टूटने, फॉर्मेशन और डिसोसिएशन दोनों के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो एंजाइम जिंक के साथ, किसके साथ? जिंक के साथ 5000 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव वर्क करता है। कितना टाइम? 5000 टाइम ज्यादा इफेक्टिव वर्क करता है, किसके साथ? जिंक के साथ। आरबीसी का जो लाइफ स्पान है, आरबीसी की जो पूरी कंप्लीट होल लाइफ है कितनी है? 120 डेज। एक आरबीसी जो है ना उसकी लाइफ कितनी है? 120 दिन, 120 डेज। आरबीसी ह्यूमन के अंदर जो आरबीसी का जो काउंट है वो कितना है? कितनी होती है ह्यूमन में आरबीसी? 5 मिलियन। कितनी होती है आरबीसी? 5 मिलियन। ग्रेवियार्ड ऑफ आरबीसी। ग्रेवियार्ड क्या होता है? ग्रेवियार्ड बताइए जल्दी से भाई, ग्रेवियार्ड क्या होता है जानते हैं आप? कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी। अब बताओ, हमेशा आंसर आएगा स्प्लीन, ब्लड बैंक ऑफ बॉडी, स्प्लीन। देखिए ये दोनों जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा बार पूछी जा चुकी है जिसकी कोई लिमिट नहीं है, बहुत ज्यादा बार ये पूछी जा चुकी है नीट एग्जाम में। स्प्लीन जो है वो एक तरीके से कब्रिस्तान है आरबीसी का। आरबीसी वहां आती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब बुढ़ापा आता है ना आरबीसी का, तो आरबीसी वहां जाती है और अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाती है स्प्लीन के अंदर। और स्प्लीन में एक्सेस जो है ब्लड जो है वो एक तरीके से प्रिपेयर होने के लिए, मतलब इमरजेंसी में ब्लड की जरूरत पड़ती है, तो एक तरीके से स्प्लीन से वो ब्लड इमीडिएटली निकलता है। तो हम ये कह सकते हैं स्प्लीन जो है वो ब्लड बैंक है किसका? बॉडी का। अब देखिए आप ध्यान से,
12 to 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में प्रेजेंट होता है। मतलब 100 ml ब्लड में कितना होगा, 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, फिक्स है। आप किसी भी कोई भी व्यक्ति है उसकी उसके बॉडी से आप 100 ml आप जो है ब्लड निकालिए तो आप उसमें चेक करेंगे तो 12 टू 16 ग्राम हीमोग्लोबिन उसमें प्रेजेंट होता है। आप देखिए आरबीसी जो होती है जब ब्लड फ्लो होता है, ब्लड मूव करता है किसमें, कैपिलरीज में। भाई ब्लड कहां से मूव करेगा, हमारी बॉडी में खुला तो ब्लड मूव करता नहीं है, ब्लड किसमें मूव करता है, कैपिलरीज में ब्लड मूव करता है। तो क्या होता है कि आरबीसीज जो होती है वो एक दूसरे, जो आरबीसीज होती ना वो एक दूसरे की सरफेस से चिपकी हुई रहती है, एक दूसरे की सरफेस से चिपकी हुई रहती है, अटैच सी रहती है, मतलब दूर भी नहीं है तो अटैच भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ऐसे सिकड़ सिकड़ के, जैसे भेड़ चलती है ना, भेड़ आपने देखो शिप जैसे मूव करती है ना ग्रुप में, वैसे आरबीसी मूव करती है। क्यों? बिकॉज ऑफ ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से वो ब्लड में मूव करती है ऐसे, और इसे कहते हैं रॉलैक्स। आरबीसी का काम क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। आरबीसी का मेन वर्क क्या है, ट्रांसपोर्ट करना रेस्पिरेटरी गैसेस का, ट्रांसपोर्ट करना आरबीसी का वर्क होता है। इसके अलावा भी आरबीसी के बहुत सारे वर्क है, बताओ आप, आरबीसी जो है रेस्पिरेटरी गैसेस को मूव करवाती है, कौन कौन सी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जो सेल्स में आपका प्रोसेस हो गया, समझ रहे हो भाई, आपका रेस्पिरेशन हो गया सेल्स के अंदर, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, और ज्यादा लो सेल के अंदर सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी पर F0 F1 पार्टिकल्स पर एटीपीएज एंजाइम की प्रेजेंस में जो है 38 एटीपीज का फॉर्मेशन हो गया। अब एक्सेस अमाउंट में जो है क्या क्या बन गया, CO2 और वाटर, तो CO2 जो है उसका ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा भैया, बोलो आरबीसी, वेरी गुड। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, आरबीसी क्यों करेगा, क्योंकि उसमें होता हीमोग्लोबिन है ना, उसके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। इसके अलावा आरबीसी बताओ मेन फंक्शन यही आएगा आपका, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। हीमोग्लोबिन इन ईच आरबीसी, प्रत्येक आरबीसी में 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन होते हैं। एक आरबीसी में कितने होते हैं, 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन होता है, एक आरबीसी में 26.5 करोड़ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन को, आप तोड़िए हीम प्लस ग्लोबिन, हीम यानी आयरन, कितना परसेंट होगा आयरन, ओनली 5%, कितना परसेंट, 5%, और ग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है, ये कितना परसेंट होगा, 95%, कितना परसेंट होगा, 95%। हीम प्लस ग्लोबिन, हीम आयरन, कौन सा आयरन में भी कौन सा, Fe+2, और Fe+2 को क्या कहा जाता है, फेरस, +3 को फेरिक, तो यहां पर क्या है, +2 क्या आएगा, फेरस, क्या आएगा, फेरस, और पोरफायरिन रिंग, हीम के साथ क्या जुड़ी होती है, पोरफायरिन रिंग, याद रहेगा पोरफायरिन रिंग, क्लियर है। ग्लोबिन एक जो है प्रोटीन है, अब प्रोटीन किससे बना होता है, अमाइनो एसिड्स किससे बने होते हैं, बोलो जल्दी से, है प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलके बना है, अमाइनो एसिड्स किसके मिलके बना है, अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अमाइनो एसिड्स का फॉर्मेशन हुआ है। अमाइनो एसिड्स जो है पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड, हां मोनोपेप्टाइड, हां करते हो ना, ये
याद है ना, कुछ तो आता है, वेरी गुड। तो आप देखिए ग्लोबिन प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन। कितनी? फोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ग्लोबिन प्रोटीन कंपोज्ड ऑफ फोर पॉलीपेप्टाइड चेन। ये चार चेनों के नाम मैं आपको बता रहा हूं, बोलो, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। क्या क्या नाम है इनका? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये चार जो है, ये चार ग्लोबिन प्रोटीन होते हैं। यहां पॉलीपेप्टाइड चेन है ना, तो आपको फिर भी इसको क्या लिखना है? प्रोटीन ही बताना है, प्रोटीन ही शो करना है, क्योंकि पेप्टाइड का एडवांस स्टेज क्या है? प्रोटीन है। अब आप देखिए अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। अल्फा, अल्फा जो पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसमें 141 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड्स कितने प्रेजेंट होते हैं? 141। और बीटा, गामा और डेल्टा, इसमें कितने होते हैं? 146। इन तीनों में मिला के कितने होते हैं? 146। अब आप देखिए ध्यान से, 100 ग्राम ब्लड जो है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। कितना ग्राम हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है? 15 ग्राम। अब ये ध्यान, यहां देखिए एक बार ध्यान से, अभी थोड़ी देर पहले बताया कहां गया वो, 12 टू 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन एंड एवरी 100 ग्राम ऑफ ब्लड, है ना। यहां क्या लिखा है? 100 ml ब्लड, ये ग्राम में है, हीमोग्लोबिन ग्राम में, ये ml में। अब आप यहां देखिए, 100 ml ब्लड कंटेन 15 ग्राम हीमोग्लोबिन। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है नीट में एज इट इज आया हुआ है, इसीलिए आपको यहां पर शो किया है, एज इट इज आया हुआ है। 100 ग्राम ब्लड में कितना ग्राम जो है, 100 ml ब्लड में, बार बार ग्राम निकल रहा है उसके लिए, सॉरी, 100 ml जो ब्लड है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन आपको दिया, 15 दे दिया, 20 दे दिया, 25 दे दिया, 30 दे दिया, आपको अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? 12 टू 16 के बीच में क्या है? 15। ये 15 इसका आंसर आएगा, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने आपको यहां पे बताया। अब बात करते हैं WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। क्या नाम इसका? व्हाइट ब्लड सेल्स, WBC। WBC का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम इसका? ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइट्स। क्या नाम है इसका? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि ये कलरलेस होती है। ल्यूकोसाइट या व्हाइट ब्लड सेल्स क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि ये जो होती है कलरलेस होती है, कलरलेस, इनमें कोई कलर नहीं पाया जाता। अब कलर क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन ही नहीं पाया जाता। अब हीमोग्लोबिन ही नहीं है तो इनमें रेड कलर आने की तो चांसेस ही नहीं है, तो इनमें और कोई दूसरा पिगमेंट इसमें पाया नहीं जाता, इसी वजह से ये क्या होती है? कलरलेस होती है। TLC इनको कहते हैं ल्यूकोसाइट। टी का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इनको पूरे को चेक किया जाता है कि इसमें टोटल जो है WBC किसी ह्यूमन में कितनी होती है, है ना, कितनी है? 6000 से 8000, समझ रहे हो, mm या mm³ भी बोल सकते हो आप। अब आप ध्यान से देखिए इसको, ये जो TLC होती है ना, TLC, ये इसके बीच में हो तो सही है, ज्यादा हो तो भी प्रॉब्लमेटिक है और कम है तो भी प्रॉब्लमेटिक है, इनके बीच में ही जो है WBC की काउंटिंग, क्लियर है, फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये होगा इररेगुलर। इसकी शेप कैसी होती है? इररेगुलर। इररेगुलर का मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती है ना, इररेगुलर शेप। अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबा जैसे मूव करता है, अमीबा कैसे मूव करता है? सूडोपोडियास बनाता है, और सूडोपोडिया बनाता है, पहले आगे दो ऐसे बनाएगा, फिर पीछे वाली बॉडी को खींचेगा, फिर आगे बढ़ेगा,
फिर आगे बढ़ाएगा, ऐसा मूवमेंट इनमें डब्ल्यूबीसी में पाया जाता है। ये ब्लड में अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं। इनका लाइफ स्पान जो रहेगा ये रहेगा 5 to 7 days। कितना रहेगा? 5 to 7 days। क्लियर है? न्यूक्लिएटेड, ये इनमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना था? 120 days। यहां और आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता, लेकिन यहां पर न्यूक्लियस पाया जाता है और इनका लाइफ स्पान रहेगा कितना? 5 to 7 days। डब्ल्यूबीसी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में। फर्स्ट ग्रैन्यूलोसाइट्स और एग्रैन्यूलोसाइट्स। ग्रैन्यूलोसाइट्स ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, एग्रैन्यूलोसाइट्स ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में नहीं। एग्रैन्यूलोसाइट्स, एग्रैन्यूलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स आती हैं, और ग्रैन्यूलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स आती हैं। एग्रैन्यूलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स आती हैं, ग्रैन्यूलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स आते हैं। सबसे पहले हो गया, अब हम बात करते हैं सबसे पहले मोनोसाइट्स की। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोसाइट्स की। अब ये देखिए मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, उसके बाद न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे। अब देखिए सबसे पहले कौन है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स की जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है वो कैसी आएगी? बीन शेप न्यूक्लियस। मोनोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होगा? बीन शेप। कैसा होगा? बीन शेप। देखिए आप मोनोसाइट्स आपको नजर आ रहा है, ये मोनोसाइट, इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसके न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है, ये कैसे आ रही है? बीन शेप। बीन जानते हो ना, बीन शेप। बीन शेप न्यूक्लियस मोनोसाइट्स में पाया जाता है। यहां पर आप देखिए फैगोसाइटिक इन नेचर, फैगोसाइटिक इन नेचर, नेचर इनका फैगोसाइटिक होगा। फैगोसाइटिक मतलब दूसरे को खाने वाला, मतलब जो डेड सेल्स हैं या जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, एंटीजन्स हैं, उनको खाने का काम करेगा। फैगोसाइटिक इन नेचर, दूसरों को डिस्ट्रॉय करने वाला, जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उनको डिस्ट्रॉय करने वाला। मैक्रो पुलिसमैन, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, यहां बड़े, इनको बड़े पुलिसमैन, मैक्रो पुलिसमैन भी इनको कहा जाता है। फैगोसाइटिक इन नेचर, लार्जेस्ट ब्लड कार्पल्स, लार्जेस्ट ब्लड कार्पल्स, लार्जेस्ट ब्लड कार्पल्स का मतलब क्या? बड़ी से, मतलब इनकी साइज जो होती है बड़ी होती है, इसीलिए इनको मैक्रो पुलिसमैन कहा जाता है। पुलिस का काम करती है जो अनवांटेड जो सब्सटेंसेस होते हैं, पीपल्स होते हैं, जो थीफ वगैरह होते हैं, जो रॉबरी वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, मर्डरर होते हैं, उनको पकड़ने का काम कौन करती है? पुलिस। उनको पनिशमेंट देने का काम कौन करती है? पुलिस। ठीक है, तो यहां पर ऐसा मत सोचना सर जज वगैरह ये होता है, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ यही कर लेती है ना। तो यहां पर कौन इनोसेंट है कौन, उन सब के बारे में हम बात नहीं कर रहे, हम यहां बात कर रहे हैं मैक्रो पुलिसमैन। ये क्या काम करती है? इनका नेचर होता है फैगोसाइटिक नेचर होता है, इनका साइज बड़ा होता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? मैक्रो पुलिस मैन। लार्जेस्ट ब्लड कार्पल, ये बहुत बड़ी होती है साइज में, सबसे बड़ी यही होती है मोनोसाइट्स, इसीलिए इनको कहा जाता है लार्जेस्ट ब्लड कार्पल। इनका लाइफ स्पान केवल 24 घंटे होता है, 24 आवर्स। इनको स्केवेंजर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। स्केवेंजर्स क्या काम करते हैं? जो डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। तो ये भी मोनोसाइट्स भी एक तरीके से वैसे ही काम करते हैं। जो फॉरेन प्रोटीन पार्टिकल्स हो गए, यानी एंटीजन्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, या अनवांटेड सब्सटेंसेस हो गए, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम
मोनोसाइट्स करते हैं। इनका न्यूक्लियस बीन शेप्ड रहेगा, फैगोसाइटिक नेचर रहेगा, इनको मैक्रोपोलिस मैन कहा जाता है, लार्जेस्ट ब्लड कार्पल सही है, सबसे बड़ी ब्लड कार्पल है ना। इसका लाइफ स्पैन 24 आवर्स रहेगा और ये इन्हें स्क्वेंजर ऑफ ब्लड भी कहा जाता है। अब बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। पहले आपने देखा, क्या देखा आपने? फर्स्ट आपने देखा एग्रेनुलोसाइट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। तो आपने मोनोसाइट स्टडी कर लिया, आप क्या स्टडी करेंगे? लिम्फोसाइट। वेरी गुड। ये देखिए लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस आप देखिए, लिम्फोसाइट्स आपको नजर आ रहा है, इसका न्यूक्लियस कैसा है? बिल्कुल गोल, जबकि इसका कैसा था? बीन शेप, देख रहे हो है ना, ये कैसा है? बिल्कुल राउंड लिम्फोसाइट। इनका न्यूक्लियस कैसा है? बिल्कुल राउंड न्यूक्लियस, राउंडेड न्यूक्लियस इसका होता है। लिम्फोसाइट का वर्क क्या होता है? ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडीज क्या काम करती हैं? जो एंटीजन के साथ बाइंड कर लेती हैं और एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती हैं, फिर उसके बाद उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो ये लिम्फोसाइट जो होती है वो एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करती है। लिम्फोसाइट्स का लाइफ स्पैन रहेगा 5 to 7 days। कितना रहेगा? 5 to 7 days। कितना रहेगा? 5 to 7 days, ठीक है, 5 to 7 days इनका लाइफ स्पैन रहेगा। ये लिम्फोसाइट्स होती हैं दो टाइप की। कितने टाइप की होती हैं? टू टाइप्स, बी एंड टी, बी एंड टी, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। देखिए अब ध्यान से, तो लिम्फोसाइट जो है इनका न्यूक्लियस कैसा होगा? राउंड न्यूक्लियस होगा। ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन करेंगी, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करेंगी, लाइफ स्पैन रहेगा 5 to 7 days। दो टाइप की होती हैं, बी और टी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे किसमें बताओ जो इम्यून सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है लिम्फोसाइट्स। ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स के बिना हम जो है हमारा इम्यून सिस्टम सिक्योर नहीं रह पाएगा। बी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स कहां प्रोड्यूस होंगी? बोन मैरो में, और मैच्योर भी कहां होंगी? बोन मैरो में। ध्यान से सुनना, बी लिम्फोसाइट, बी, बी से याद पकड़ लो आप, कहां प्रोड्यूस हो रही है? बोन मैरो में। कहां मैच्योर हो रही है? बोन मैरो में। बी से याद रहेगा, बी बोन लिम्फोसाइट कहां प्रोड्यूस हो रही है? बोन मैरो में। कहां मैच्योर हो रही है? बोन मैरो में। फंक्शन क्या है इसका? प्रोड्यूस सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट एंटीबॉडीज। ये किसका प्रोडक्शन करेंगी, किसका सिंथेसिस करेंगी और किसका ट्रांसपोर्ट करेगी? हमेशा एंटीबॉडीज का ट्रांसपोर्ट करेगी, मतलब एंटीबॉडीज को बनाएंगी, उसको उसका क्वांटिटी इंक्रीज करेंगी उसकी, बहुत ज्यादा बढ़ाती रहेंगी, उसको ट्रांसपोर्ट भी करेंगी। कौन? एंटीबॉडी। मतलब ये जो है बी लिम्फोसाइट जो है एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेंगी, उसको सिंथेसाइज करेंगी, उसको ट्रांसपोर्ट करेंगी, किसको? एंटीबॉडीज को। कौन करेगी? बी लिम्फोसाइट। अब बात करते हैं टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट वो एक्चुअली आप ये मान के चलिए बी लिम्फोसाइट है ना, ये हथियार बनाने का कारखाना है, आप समझ रहे हो, जो हथियार बनाए जाते हैं वो यहां बनाए जाते हैं। अब इनका हथियार क्या है? एंटीबॉडीज। ये हथियार बनाएंगे भी और हथियार सप्लाई भी करेंगे। तो बी लिम्फोसाइट जो है वो एंटीबॉडीज बनाएंगे भी और एंटीबॉडीज को ट्रांसपोर्ट भी करेंगी। लेकिन टी लिम्फोसाइट जो है ये वर्क करेंगी, ये तो उड़ाएंगी। टी लिम्फोसाइट्स ये बोन मैरो में तो बनेंगी भाई, प्रोड्यूस तो बोन मैरो में ही होंगी, लेकिन ये मैच्योर जो है थाइमस ग्लैंड में होती है। मैच्योर कहां होंगी? थाइमस ग्लैंड। देखो प्रोड्यूस तो हो रही है बोन मैरो में, ये तो दोनों ही बोन मैरो में, लिम्फोसाइट जो है बोन मैरो में ही प्रोड्यूस होती है, आप सब जानते हैं। लेकिन टी 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 लिम्फोसाइट कहां मैच्योर होंगी? थाइमस ग्लैंड। कहां मैच्योर होंगी? थाइमस ग्लैंड में। कहां मैच्योर होंगी? थाइमस ग्लैंड। टी लिम्फोसाइट जो है तीन टाइप की होती है, थ्री टाइप्स। फर्स्ट टी किलर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स और टी सप्रेशर सेल्स। टी किलर
टी हेल्पर, टी सप्रेशर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, टी किलर, टी हेल्पर और टी सप्रेशर। ध्यान से सुनना, टी किलर साइटोटॉक्सिक नेचर होता है इसका, डायरेक्ट किल बैक्टीरिया और वायरस, ये बैक्टीरिया और वायरस को डायरेक्ट मारती है। टी किलर सेल, अरे किलर क्या काम करता है, किसी को भी मारने का काम करता है तो किलर ही करता है ना, तो यहां पर टी किलर सेल एनकाउंटर स्पेशलिस्ट है ये, अब तक 56। हां, टी किलर सेल, टी किलर सेल जो है डायरेक्ट किल बैक्टीरिया और वायरस, डायरेक्टली अटैक करेगी, डायरेक्ट उड़ा देगी 58 की खटा। टी हेल्पर सेल, टी हेल्पर सेल ये स्टिमुलेट बी लिम्फोसाइट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। अब क्या करेगी टी हेल्पर, ये हेल्प करेगी किसको, इसको, हेल्पर सेल ये हेल्प करेगी इसको, क्या हेल्प करेगी कि भाई अगर आपके पास जो है जुगाड़ कम हो गया हो तो मैं जो है उसको जाके इन्फॉर्म करेगी किसको, उसको जाके तुरंत बोलेगी अरे फटाफट फटाफट गन वगैरह बना, कौन बोलेगी टी हेल्पर सेल। टी हेल्पर सेल किसको बोलेगी, बी लिम्फोसाइट्स को, है तो ये टी लेकिन बोलेगी किसको, बी को, भाई तू जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन बढ़ा, अपना अपना प्रोडक्शन बढ़ा, मुझे जरूरत है, तो स्टिमुलेट, ये स्टिमुलेट करेगी बी लिम्फोसाइट्स को टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ये स्टिमुलेट करेगी बी लिम्फोसाइट को, है तो ये टी लेकिन स्टिमुलेट करेगी बी को, भाई भाई किलर साहब को जरूरत है, जल्दी करो, टाइम खराब मत करो, समझ गए। टी सप्रेशर सेल्स, सप्रेशर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को दबाने वाला, किसी चीज को दबाने वाला, किसी चीज के प्रभाव को खत्म करने वाला, किसी चीज के इफेक्ट को खत्म करने वाला, सप्रेशर, समझ रहे हो। सप्रेशर का मतलब क्या होता है, सप्रेस टी किलर सेल्स एंड प्रोडक्ट इम्यून सिस्टम, सप्रेशर का मतलब क्या होता है, रोकने वाला, दबाने वाला, समझ गए आप। तो ये टी सप्रेशर सेल्स जो है इन टी किलर सेल्स को रोकती है, हा? ये क्या कहा, अरे ये टी सप्रेसर सेल्स टी किलर सेल्स को रोकती है, मैं बार बार बोल रहा हूं, टी सप्रेसर सेल्स टी किलर सेल्स को रोकती है, क्यों रोकेंगी भाई ये, इनको क्या जरूरत आ गई, अगर मान लो ये नहीं रोके ना इसको, है ना, तो ये पूरी बॉडी की जो सेल्स है उन्हीं को मार देगी, क्यों, समझ रहे हो भाई, जितनी जरूरत है भाई। ये क्या इसका, जैसे आपने देखा होगा पिक्चर के अंदर, मुझे याद नहीं उस पिक्चर, हाँ घातक 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 घातक, है ना, घातक पिक्चर के अंदर आपने देखा होगा सनी देओल लास्ट के अंदर क्या करता है कि जैसे उसको गुस्सा आता है उस पे कातिया पे, है ना, और वो उसको मारता है, तो फिर उसके बाद में आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, सबको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये उस समय मान लो टी किलर सेल है, और वो जो लड़का है उसके पास जाता है कि साहब आप ये जो है पानी लो आप, है बच्चा छोटा, तो ये टी सप्रेसर है, उसको बोलता है ठंडा हो जा भाई, ठंडा हो जा, है ना, बहुत हो गया। तो टी किलर सेल मारने का काम कर रहा है, काटने का काम कर रहा है, उड़ाने का काम कर रहा है, अब ये जोश में आ गया, हाँ? जोश में आ रहा बहुत तेज कि अब तो उड़ाते ही रहना बिल्कुल, लेकिन ऐसा थोड़ी चलेगा भैया, अगर ऐसे उड़ाते रहे तो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही खत्म हो जाएगा, हमारी बॉडी की सारी सेल्स को मार देगा ये। इसको दबाने के लिए टी सप्रेसर सेल्स जो है हेल्प करती है, ये ही इसको रोकेंगे, समझ रहे भाई, आपको इतना ही करना है, अब आप रुक जाइए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए एडोलॉजी क्लासेस को और करे अपने नीट जेईई का सपना साकार, डाउनलोड द ऐप नाउ।